गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह और ये है मेरा ब्लॉग चैनल। इस पे मैं डेली रूटीन शेयर करूँगी और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। 1 जनवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ये चैनल, तो मेरे चैनल पे भी सपोर्ट करिएगा आप सब, और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अभी सुबह का टाइम है, जैसा कि देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि सो के जगे हैं, लेकिन अभी नहा वहा के सब लोग फ्रेश हो चुके हैं, तो मैं भी नहा चुकी हूँ। और अभी ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने फॉर्म हाउस से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंजॉय करिएगा। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप सबको। एक मिनट, मैं बैक कैमरा करके फिर दिखाती हूँ। तो अभी नहाने के बाद, कपड़े वगैरह धुलने के बाद हम लोग यहीं पे डाल दिए थे, तो ये है बाहर का व्यू। और सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और धूप भी हल्की हल्की है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सुबह के टाइम बहुत ही, मतलब एक एनर्जी के जैसा लगता है, और पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये है पूरा बाहर का व्यू, और इधर ये हम लोग के बालकनी का, आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये जगह जानी पहचानी लग रही है, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और सामने ही है बीच, काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, उसके बाद है ये उमरगांव का बीच है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, अब हो गया अंधेरा। और अब बाहर चलते हैं। अभी तो नीचे जाना है, तो नीचे चलते हैं पहले। बाहर उधर पेड़ों की कटाई हो रही है, सब लोग अपने काम में लग चुके हैं। देखते हैं अभी अंदर क्या हो रहा है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और देखते हैं आज क्या बनने वाला है। हालांकि नाश्ते में तो बाहर से वड़ा पाव खाने का प्रोग्राम था, लेकिन अभी देखते हैं कुछ चेंज हुआ है या क्या हुआ है। तो फिलहाल अभी चाय तो सब लोग पी चुके हैं, तो देखते हैं अभी आगे क्या करना है। तो ये दोबारा चाय बन चुकी है, एक बार सुबह में हम सब ने पिया था, वापस से फिर से बनी है क्योंकि ठंडी थी थोड़ी, तो चाय पीने का मन था। तो आइए आप सब भी हमारे साथ चाय पीजिए। तो अब मैं ना अभी गार्डन में चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ पे जो भी फूल लगे हुए हैं, मतलब फूल जो आए हुए हैं उसको दिखाती हूँ। तो चलिए आप सब भी गार्डन में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट है, मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। हाँ, तो अभी ये नेट हटा के चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले ये है गुलाब, कितना अच्छा लग रहा है। और इधर और भी हैं, और सबसे अच्छी ना ये हरी हरी घास बहुत अच्छी लग रही है। इस पे ना ऐसे बिना चप्पल के नंगे पाँव चलो तो बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी फ़ायदा भी करता है ये। सुबह के टाइम घास पे नंगे पाँव चलने से ना आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। और इधर मैं दिखाती हूँ अनार का पेड़ है, इसमें बहुत ढेर सारे अनार लगे हुए हैं। और इधर एक गुलाब है जो कि काफ़ी बड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये ना बहुत, मतलब बड़ा सा खिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ तो उसकी पंखुड़ी भी इधर गिरी है टूट के। और
शौर्य। हाँ ऊपर से देख रहे हैं। हाँ और इधर भाभी अपना फुलवारी में आई है देखने पेड़ पौधे। भाभी उधर से हाय बोलिए। हाँ और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरा हरा है। आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादातर यही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत अच्छा लगता है, और अक्सर होता है ना जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है उसी को रिकॉर्ड करना पसंद। तो अभी मैं ना अपना स्लीपर पहन लेती हूँ क्योंकि थोड़े टाइम मैं इसमें ऐसे ही टहली हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ओस थी इसमें, पूरा गीला हो गया है। तो अभी मैं कैमरा रख के थोड़ा टहल रही थी, ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हमारा नाश्ता आ चुका है जिसमें था समोसा था, वड़ा पाव था और जलेबी थी, क्योंकि यहाँ का ना जो समोसा और वड़ा पाव और जलेबी होती है ना, तो जलेबी और समोसा बिल्कुल हमारे यूपी जैसा ही लगता है, बहुत टेस्टी होता है और इनका पाव भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो नाश्ते के लिए सब लोग ज़्यादातर यही पसंद करते हैं। तो ये हुआ कि नहीं, आज फिर से हम लोग मंगवाएंगे। तो आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। और नाश्ता करने के बाद ना सानिया को स्कूटी सीखनी थी, तो अभी वो आ गई है चलाने के लिए। तो ये देखिए हम लोग के मतलब घर के सामने ही ना बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, तो यहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता है। और जिसको ना गाड़ी वगैरह सीखनी रहती है ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर, वो सीखते हैं यहाँ पे आके। और क्रिकेट वगैरह यहाँ पे होता है, काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, तो काफ़ी आसानी होती है यहाँ पे ये सब सीखने के लिए। तो जब भी यहाँ पे आते हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे एक ये भी है कि चलो बड़ा सा ग्राउंड है, तो यहाँ पे अपना बाइक या फोर व्हीलर या जो भी चलाना है वो चलाना सीख ले। तो उसके बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, तो अभी सब लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ का जो लोकल मार्केट है ना, वहाँ से कुछ सामान ख़रीदना था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, तो अभी आगे जो मार्केट का है व्यू वो दिखाते हैं। और यहाँ का जो मार्केट था ना वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, जैसे जो सामान वगैरह ख़रीदना था ना, तो उसमें काफ़ी कुछ मतलब बहुत ही अच्छे प्राइस में था। हम लोग जो किचन के लिए लिए थे कुछ बर्तन वगैरह, हालांकि यहाँ पे सब कुछ था, कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो हम लोग लिए थे ना, बहुत ही रिजनेबल था। तो अगर यहाँ पे आप लोग आते हैं ना, ये उमरगांव में है, मतलब उमरगांव में हूँ मैं इस टाइम पे, वहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर। तो यहाँ की ना कुछ कुछ शॉप ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। तो जो मैंने ख़रीदा है ना, वो तो मैं वापस मुंबई जाऊँगी तो वहाँ दिखाऊँगी, क्योंकि वो सब वैसे ही पैक करके रखा हुआ है, दो ही तीन आइटम है लेकिन बहुत ही रिजनेबल है। जब भी मैं उसको दिखाऊंगी ना, तो मैं आपको वहाँ का प्राइस बताऊंगी प्लस यहाँ का बताऊंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना, बहुत ही रिजनेबल लगा, क्योंकि मन तो हो रहा था कि नहीं काफ़ी कुछ ले लूँ, लेकिन ये था कि हाँ जो चीज़ें हैं उसको एक्स्ट्रा लेके मतलब नहीं। और यहाँ पे ना छोटे छोटे बंगलो बहुत थे, तो मैं ऐसे रास्ते का थोड़ा व्यू ले रही थी, और इधर ना अच्छे अच्छे मतलब एक छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो बस यही था, हम लोग गए थे मार्केट। और मंदिर वगैरह भी ना इधर बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन वो तो शायद इस बार पॉसिबल नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगी तो वो सब एक्सप्लोर करूँगी। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने लायक, और बहुत सा जैसे चीज़ें हैं ना जो मैं बाद में आपको बताऊँगी, कभी फुर्सत से जब मैं आई और मैं वो सब चीज़ें शूट करूँगी ना, तो ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ में। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना, ये रास्ते में भी कुछ ऐसे मार्केट लगा हुआ था, तो वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है। ये यहाँ का लोकल मार्केट है, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ना ताज़ी ताज़ी बहुत ही सस्ती सस्ती मिलती हैं, और तुरंत एकदम खेत से निकाली हुई रहती हैं। और
ये तो है ना कि अगर आप कुछ एकदम ताज़ा तोड़ते हैं, खेत से तुरंत निकाल के चीज़ें लाते हैं ना, तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। उससे आप कुछ भी बनाएं बहुत टेस्टी बनता है। तो हम लोग मार्केट में थे तो जा रहे थे इधर से, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आप सब भी शेयर सॉरी आप सब भी इसको देखिए। और अगर ना आप लोग यहाँ के हैं जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ना एक ये जैन मंदिर था, इधर से ही वो रास्ता गया था दुकान के आगे ना। उतना अच्छा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका नाम जो था वो बस LG लिखा हुआ था और काफ़ी ऊपर बोर्ड था, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये देख सकते हैं कढ़ाई है और काफ़ी कुछ बर्तन यहाँ पे थे किचन के यूज़ की, तो सारी चीज़ें थी और बहुत ही कम प्राइस में थी। तो हम लोग आए यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आए थे देखने के लिए, तो थोड़ा बहुत हमने इसमें से लिया जो ज़रूरत का था। उसके बाद हम लोग ना वापस आ गए घर पे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे और उसके बाद लंच टाइम हो गया था, तो सब लोग फटाफट से लंच किए। और यहाँ पे लंच में ना था, मतलब वो कुंदरू बोलते हैं हम लोग ना, कुंदरू की सब्जी थी, सैलेड था, दाल था और राइस था, चपाती था, साथ में फ़िश फ्राई था। तो यहाँ पे जो भी खाना हम लोग खाए थे ना, जो भैया बनाते हैं वो लोग बहुत टेस्टी बनाते हैं। एक्चुअली उनकी पूरी फैमिली जो भी बनाती है ना बहुत टेस्टी बनाती है। तो बस अभी हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद फिर जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। और लंच करना है तो आ जाइए, यहाँ पे जो ये फ़िश फ्राई थी ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आइए आप सब भी ना हमारे साथ लंच करिए। हमने तो यहाँ का खाना बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना खाना खाते समय हम लोग बात कर रहे थे और सबको यहाँ का खाना बहुत पसंद आया था, तो वही सब हम लोग बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर मिलते हैं शाम को, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा देर हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम से जो रहेगा वो रिकॉर्ड करेंगे। और ये देखिए, ये शाम का टाइम है और ग्राउंड में ना क्रिकेट स्टार्ट हो गया था, सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे। और हम लोग अभी, मैं ऊपर चाय लेके आई थी चाय पीने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया। तो ये आप भी देखिए, यहाँ पे ना ठंड नहीं थी, बहुत हल्की हल्की थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ऐसे ही चाय पीते पीते थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। उसके बाद ना मैं नीचे जाऊँगी तो नीचे दिखाती हूँ आप सबको यहाँ क्या लगा है। ये जो आगे दिख रहा है ना, ये बैगन है, यहाँ पे बैगन लगा हुआ है। और उसके बाद अंदर चलते हैं, ये देखिए, और काफ़ी कुछ सब्जियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। और इधर ना ये नींबू का पेड़ है, इसमें जो नींबू आते हैं ना उसमें बीज नहीं होता पूरा, मतलब आप काट के देखोगे ना तो अंदर बीज नहीं रहता है। इधर टमाटर का पेड़ है, धनिया लगा हुआ है, ये आम है। और इसके बाद ना चीकू का था, मैं दिखाती हूँ, उसमें चीकू भी लगे हुए हैं। ये देखिए धनिया है एकदम ताजी ताजी, और यहाँ ना पेड़ में चीकू लगे हुए हैं। और उसके बाद पालक है, पालक भी देखिए कितना हरा हरा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी तो पालक छोटा छोटा था, तो पालक तो यहाँ का भी यूज़ नहीं हो रहा था, थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन हाँ, धनिया हम लोग को ज़रूरत पड़ती थी ना, तो इसमें से लेते थे। ये देखिए पालक है, और उसके बाद इधर भी है एक आम का पेड़, इधर गोभी लगा हुआ है, टमाटर है, हरी मिर्च है, सब कुछ है, काफ़ी कुछ लगा हुआ है। इधर भी ना बैंगन के पेड़ हैं, मतलब बैंगन लगाया गया है। और ये ना बीच में सब मिट्टी डाली गई थी ना, वो धान के खेत से शायद आई थी ना, तो ये बीच में वो सब धान उगा हुआ है। और मैं दिखाती हूँ आगे, यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे कलर के, जैसे होता है ना वो पैरट है, शायद पैरट ही है या कोई भी चिड़िया है, आप देख के बताइएगा इसका नाम अगर आप जानते होंगे तो। तो यहाँ पे ना उनको रखा गया है उनके खाने के लिए,
और रहने के लिए सब बना हुआ है। यहाँ पे जो भैया रहते हैं ना वो ये सब करके रखे हैं। तो मैं आई रिकॉर्ड करने ना, तो यहाँ पे एक तो पैरेट है वो तो पता चल रहा है, लेकिन बाकी जो है ना वो सब भी पैरेट ही हैं, लेकिन उनका कलर अलग है। शायद ये उनकी अलग प्रजाति है जिसका नाम मुझे नहीं पता है। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, सब आके एकदम लाइन से ऐसे बैठ गए थे। उसके बाद मैं इधर आ गई और इधर के गार्डन में ना जो ये घास लगी हुई है ये तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा ये भी मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं रिकॉर्ड करने में, यहाँ पे थोड़ा बैठने में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिकेट हो रहा है, अक्सर होता है सुबह में भी क्रिकेट वगैरह रहता है, होता है बच्चे आके खेलते हैं शाम में भी, और बीच में अगर खाली रहता है तो लोग ड्राइविंग सीखने के लिए आते हैं। और अभी ना ये शाम का टाइम है और यहाँ पे बन रही है दाल, क्योंकि आज रात को ना बाटी चोखा और दाल का प्रोग्राम था, तो उधर दाल बन रही थी, इधर ना अहरा लगाया जा रहा है जहाँ पे बनेगा चोखा। और बाटी तो गैस पे बनेगी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और वो जो अहरे पे बाटी बनती है ना उसका जो एक्सपर्ट होते हैं वही बना पाते हैं, तो हम लोग बोले नहीं हम लोग को उतना आइडिया नहीं है तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, तो बाटी तो गैस पे ही बनी थी। यहाँ पे देखिए ये दाल है, दाल को इसमें डाला गया है, फिर ना लहसुन हरी मिर्च अदरक सब पहले ही डाल दिया गया था। और इधर दाल बन रही है और उधर जिधर मतलब खेत टाइप का है ना, मतलब मिट्टी वाला एरिया है, उधर ही अहरा लगाया गया था जिसमें आलू बैंगन टमाटर भुना जा रहा था चोखा बनाने के लिए, और अंदर ये राइस बन रहा है। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ दूसरी साइड बन रही है बाटी, जैसा कि मैं मतलब हमेशा बनाती हूँ ना, एक्चुअली मेरे दूसरे चैनल पे उसकी प्रॉपर रेसिपी है और आप सब उस पर विज़िट करिएगा, मेरा जो दूसरा चैनल है श्वेता स्पेशल 2M के नाम से, उस पर मैं रेसिपीज़ डालती हूँ और इस पर ब्लॉग डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाटी बना रही थी, तो बहुत अच्छी बाटी बनी थी यहाँ पे भी, और बाटी दाल चोखा सब बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे ना ये दाल फ्राई हो चुकी है और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दाल देखिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो दाल तो बनाया था मेरे हस्बैंड, भाभी ने चोखा बनाया था, दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, चोखा भी बहुत टेस्टी था, और मैंने बाटी और राइस बनाया था तो बाटी भी सबको बहुत पसंद आई थी। तो बस आज का ये डिनर था जो हम लोगों ने बनाया था, ये हमारे जैसे यूपी बिहार का बहुत ही फेमस है ना, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं हमने बोला था कि हाँ हम बना के आप सबको टेस्ट कराएंगे हर रोज़, तो आप हम लोग को मतलब अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाते हैं। तो हस्बैंड ने दाल बनाया था, भाभी ने बनाया था चोखा, मैंने बाटी और राइस, सब बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे ना अभी बाहरी टेबल पे सब रख दिया गया था और सब लोग आए थे, खाना वाना खाए, काफ़ी देर तक बातें हुई, हम लोग भी खा चुके हैं। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।